पावर ट्रिप्स एंड सोल्यूशन में अब आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम एड असम्बलिंग की वीडियोज़ बना रहे थे और उसकी सेकंड वीडियो आ चुकी है। इस सेकंड वीडियो में हम मज़ीद आगे चलेंगे कि कहां से हमने छोड़ा था और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और इसको असम्बल करेंगे, मुकम्मल एंड तक टाइमिंग की तरफ लेके जाएंगे और साथ साथ में कुछ सवाल आते हैं उनके जवाब भी देंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। जी तो यहाँ पर जो है ना, हम पिछले एपिसोड में आपको पता है कि हम जो है ना वाल लगा चुके थे और वाल गाइडें भी हम लगा चुके थे। तो आज जो है ना हम वाल के ऊपर जो इसके स्प्रिंग्स, वॉशल्स और इसके लॉक्स हैं ये फंसाने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ना वाल्व्स के ऊपर जो है ना यहाँ पे 6 स्प्रिंग्स होते हैं और 6 इसकी जो है ना ऊपर वाली वॉशलें होती हैं और साथ में इसके लॉक्स होते हैं जो कि इसको फंसाना पड़ता है। तो ये मेस लॉक्स जो है ना सामने आप देख रहे हैं, लॉक्स बड़े अहम चीज़ होती हैं और बड़ी छोटी चीज़ होती हैं, बड़ी एहतियात से लगाना पड़ता है। तो लगाने के लिए ज़रूरी है कि जो है ना आप जो इसकी बंसरी हैं वो पहले इसमें फंसाई जाती हैं और इस किस्म का जो है ना ये लॉक होता है। ये दो लॉक्स जो है ना, दो पीसेज जो है ना एक वॉल के अंदर जो है ना लगते हैं, टोटल जो है ना 12 पीसेज होते हैं। तो लगाने का तरीका ये है कि यहाँ पर जो है ना आपने सबसे पहले इसको बांसरी इसकी फंसानी है और साथ में दो वॉल्स के जो आमने सामने ये लॉक्स हैं आपने रखने और फिर उसके बाद जो है ना आपने दो पेचकस लेने, उस पेचकस के साथ जो है ना आपने इस स्प्रिंग को बांसरी के ज़रिए फंसा के आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये लॉक्स देख रहे हैं आप अपनी जगह पर नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। और जैसे ही बैठेंगे बस सिर्फ ये कि आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इसके जो पेचकस हैं वो आपने सही तरतीब के साथ फंसाने ताकि आपसे मिस ना हो। अगर स्प्रिंग मिस हो जाता है तो ये लॉक्स एकदम से उड़ जाते हैं और गुम हो जाते हैं, तो इसका बड़ा एहतियात रखना पड़ता है कि ये गुमे ना, क्योंकि गुम जाएं तो फिर स्पेयर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सबसे पहले आप स्प्रिंग्स को दबा लीजिए वॉशल रख के और उसके बाद जो है ना इसमें आप लॉक इस तरह जो है ना डालेंगे, आमने सामने जो है ना इसके लॉक फंसाएंगे आप जिस तरह ये अब हम करने जा रहे हैं। तो एक लॉक इसका फंस जाता है लेकिन मिस हो जाता है, तो इस तरह जो है ना ये फंसाया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि बड़े काम, फर्स्ट टाइम जो वाल का लॉक्स होते हैं वो अक्सर टाइम ले जाता है, बाकी 5 के जो है ना हाथ बैठ जाते हैं तो एकदम से फंसना शुरू हो जाता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो है ना इंतहाई ज़रा सी सेंसिटिव सा काम है लेकिन करना पड़ता है। अगर ये लॉक्स अपनी जगह पर ना बैठें तो जो है ना स्प्रिंग्स और वाल जो है ना निकल सकते हैं और वाल टूट सकता है। और इसी तरह दूसरे स्प्रिंग की तरफ भी हम जाएंगे और साथ साथ में जो है ना ऐसा है कि मैं वीडियो को ज़रा फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि 6 के 6 वॉल्स हैं और टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं वीडियो को भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ और फॉरवर्ड करने के साथ साथ जो एक सवाल आया था पिछली वीडियो के मुतालिक उसका भी साथ में मैं जवाब आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इन डम्बर्स के मुतलिक जो है ना सवाल था कि ये काबले के ऊपर जो ये दो डम्बर्स पड़े हुए हैं, दो बुशेस टाइप की जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये क्या हैं, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। ये हेड और असम्बली के दरमियान में जब आप ऐड फिट कर रहे होते हैं तो और गैस्केट फिट कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये दो कोनों में लगती हैं, दो बुशेस हैं, इसको कह सकते हैं आप हेड जॉइन, हेड और असम्बली जॉइनर भी आप कह सकते हैं। तो इनको फिट किया जाता है और इसके ऊपर जो है ना फिर हेड को बिठाया जाता है, इससे जो है ना हेड और असम्बली जो इंजन असम्बली होती है वो आपस में एक जान हो जाती है और उसकी अलाइनमेंट नहीं आउट होती। वाल्व और उसके लॉक्स मुकम्मल बैठ चुके हैं, तो मज़ीद इसको बेहतर बिठाने के लिए जो है ना थोड़ी अगर आपके पास हो तो इन वालों के ऊपर हल्का हल्का सा आप मारेंगे तो ये लॉक्स बिल्कुल अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है जी इसकी कैम लगाना। कैम के बाद हम बांसरियाँ लगाएंगे, उन बांसरियों के बाद जो है ना टैपेट एडजस्टर इसमें बांसरियों के अंदर फिट करेंगे। तो कैम की तरफ जाते हैं अब और कैम हम फिट करेंगे। यहाँ पर जी कैम देखेंगे आप बिल्कुल जो है ना इसको पहले ऑयल थोड़ा सा लगाया जाएगा जहाँ पर ऐड में हम इसको फिट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बुशेस वगैरह जो है ना या खरादिये ने जो है ना बुश वगैरह डाले होते हैं, तो उसे ऑयल लिफ्ट करके कैम को फंसाया जाता है ताकि आराम से बैठ सके।
जी तो कैम फिट हो चुकी है और इसका सिर्फ एक लॉक हमने लगाना है और दो पेच लगाने, और उसके बाद हम इसमें जो है ना इसकी बांसरियाँ फिट करेंगे और टाइपेट लगा के टाइपेट एडजस्टर जो है ना लगा के टाइपेट एडजस्ट करेंगे। कार टिप्स एंड सॉल्यूशंस आपसे इजाज़त मांगते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं अपनी वीडियो में आपके सवाल का जवाब दूँगा।